वेलकम टू माई चैनल लर्न विथ हिना। सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी न्यू वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड करूँगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और गाइस, उसी के अलावा मैं अन अकेडमी पर भी एडुकेटर हूँ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड जब आपको मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी, ये ग्रीन कलर का बटन है यहाँ पे फॉलो का, उसे प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मेरे न्यू कोर्सेज है उनके नोटिफिकेशन अब तक आते रहे। एंड अब तक मेरे 12 कोर्सेज अन अकेडमी पे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं आपके लिए कॉमर्स के ऊपर भी वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो एमसीक्यूज ऑफ कॉमर्स, सो बेसिकली मैं यूनिट वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करने वाली हूँ। सो आज से मैंने स्टार्ट किया है, आज हमारा डे वन है। सो मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि यूनिट वन है आपके कॉमर्स का, उसके ऊपर मैंने प्रिपेयर किया है एमसीक्यूज। ठीक है, सो बेसिकली डे वन में से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट है वो कौन से एक्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, रिस्ट्रिक्टिव मतलब जो रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं ट्रेड पे, उसे चेक करते हैं। सो हमारा ऑप्शन है ए एमआरटीपी एक्ट, बी फेरा एक्ट, सी फेमा एक्ट, या डी इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक्ट 1991। सो ये जो एक्ट है इसका आंसर है ए, दैट इज एमआरटीपी एक्ट। सो अब ये एमआरटीपी एक्ट है 1969 में बनाया गया, रिप्लेस कर दिया है कंपटीशन एक्ट ने 2002 में। ठीक है, आपको ये सब भी पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट को किसने रिप्लेस किया है। जैसे कि फेरा एक्ट है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर दिया है फेमा एक्ट ने 1999 में। फेरा एक्ट आपका आया था 1973 में, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय फेमा एक्ट इन 1999। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एमआरटीपी कमीशन। अब यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन सा एमआरटीपी कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर फॉल नहीं करता है। सो फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, बी प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, सी रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, या डी प्रिवेंशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर आपने एमआरटीपी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को रीड किया है तो आपके लिए ये आंसर बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ये आपके कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 का पार्ट है, ये आपके एमआरटीपी एक्ट का पार्ट नहीं है। देखते हैं, व्हेन अ कंपनी टेक ओवर अनदर वन एंड क्लियरली बिकम्स द न्यू ओनर द एक्शन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोला गया है एक कंपनी जब किसी और कंपनी को ले लेती है और क्लियरली बता दे रही है कि अब ये कंपनी का न्यू ओनर मैं हूँ, सो ये एक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्विजिशन, बी मर्जर, सी स्ट्रेटेजिक अलायंस, या डी नन ऑफ दिस। सो देखो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा होता है एक्वायर करना, किसी को कंपनी को आपके अंदर लेना, और मर्जर तो आपको पता ही होगा जब दो कंपनी आपस में मर्ज होके एक कंपनी बनती है तो उसे मर्जर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल इम्पोज्ड ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री मींस। अब यहाँ पे बोला रिलैक्सिंग द रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो रिस्ट्रिक्शन पहले दी जाती थी उनके ऊपर रिलैक्स देना, मतलब कि अब रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, कंट्रोल नहीं रहेगा बिजनेस पे और इंडस्ट्री में। सो ये किसके अंदर होता है, ऑप्शन नंबर ए प्राइवेटाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबलाइजेशन, ऑप्शन सी लिबरलाइजेशन, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो देखो जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल निकाल दिया गया, रिस्ट्रिक्शन निकाल दी गई उसका मतलब फ्रीडम दिया गया है, तो उसे हम प्राइवेटाइजेशन में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होता है, एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड करना। नेक्स्ट देखते हैं रिबलाइजेशन मीन्स, अब देखो
जिसको इसका मतलब समझ में आ गया होगा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उनके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. ए रिड्यूसिंग नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज फ्रॉम 17 to 8. बी फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. ऑप्शन नंबर सी ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी टू द वर्ल्ड बाय अटेनिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. ये ऑप्शन नंबर डी लिबरेटिंग द इंडस्ट्री ट्रेड एंड इकोनॉमी फ्रॉम अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन. सो देखो बेसिकली लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज ट्रेड और इकोनॉमी को बाहर लेके आना. ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट द एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी 1969 हैज बीन ऑथर्ड बाय. सो ये एज ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये किसके द्वारा ऑथर्ड किया गया है. ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन, ऑप्शन बी पीटर एफ ड्रकर, ऑप्शन सी साइरिस डीब्रिन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे आपको याद ही रखना पड़ता है कि ये किनके द्वारा दिया गया था. सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. लेजर्स फेयर पॉलिसी इज अडॉप्टेड इन. सो लेजर्स फेयर पॉलिसी जो है ये किसके अंदर अडॉप्ट किया गया है. ऑप्शन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, या ऑप्शन नंबर सी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. सो लेजर्स फेयर का मतलब क्या होता है कि मतलब छूट देना अच्छे से सब. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में अडॉप्ट किया गया है. बेसिकली लेजर्स फेयर पॉलिसी का मतलब यही होता है कि फ्रीडम दिया जाता है, बट किसे, प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट कंपनी को, किससे, गवर्नमेंट से. जैसे कि उनको थोड़ा फ्रीडम दिया जाता है टैरिफ में, सब्सिडीज में, ऐसे सब. ठीक है, तो बेसिकली कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपकी प्राइवेट कंपनी, आप बोल सकते हो प्राइवेटली ओन किया जाता है, प्राइवेट देखता है. एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम आपका गवर्नमेंट ध्यान रखता है. ठीक है, आई होप आपको आज की MCQ सीरीज Day 1 हमारी पसंद आई होगी. एंड पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको आज के क्वेश्चंस कैसे लगे एंड आपको इन्हें एंजॉय किया है या नहीं. एंड उसके अलावा अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. एंड हो सके उतने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ताकि सबको न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते रहे, सबके प्रैक्टिस होते रहे एग्जाम के लिए. ओके, थैंक यू.